मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रतलाम में 3 दिन पूर्व बीते रविवार को जिला प्रशासन ने डेलनपुर स्थित निजी स्कूल चैतन्य टेक्नो में छापामार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में लगभग 20 लाख की स्कूल ड्रेस और कॉपी किताबें स्कूल से जब्त हुई थी। 3 दिन बाद अब रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने निजी स्कूल को नोटिस दे दिया है, जिसमें स्कूल से इस यूनिफॉर्म और कॉपी किताब संग्रहण को लेकर 3 दिन में जवाब मांगा है। निजी स्कूल चैतन्य टेक्नो को शुक्रवार तक जवाब देना है। जवाब नहीं देने पर निजी स्कूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी सामने आ सकती है। निजी स्कूल से जब्त सामग्री को राजसात करने और स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल प्रशासन को शिकायत मिली थी कि निजी स्कूल चैतन्य टेक्नो के द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म व कॉपी किताबें बड़ी कीमत में अभिभावकों को बेची जा रही है। शिकायत पर कार्रवाई में स्कूल में ड्रेसेस और कॉपी किताबों से भरा पूरा गोदाम मिला, जिसे जब्ती कर स्कूल के कमरे में सील कर दिया गया था। लेकिन अब इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी है और कलेक्टर ने निजी स्कूल को नोटिस दिया है, जिसका जवाब शुक्रवार तक निजी स्कूल को देना होगा। बता दें कि निजी स्कूलों की मनमानी की सूचनाएं लगातार आती रहती हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा में रुकावट के डर से अभिभावक खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में सिर्फ मोटी फीस ही नहीं वसूली जाती है, बल्कि निजी स्कूल यूनिफॉर्म और कोर्स को लेकर बड़ा व्यवसाय भी शुरू कर देते हैं और शिक्षा के मंदिर में वसूली का कारोबार चलता है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद अब ऐसे निजी स्कूल जो शिक्षा की आड़ में मोटी कीमत वसूलने के काम में शामिल होंगे, वह सचेत हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन के पास और भी स्कूलों की शिकायतें हैं। देखना यह होगा कि क्या और बड़ी कार्रवाई किसी अन्य निजी स्कूल को लेकर सामने आती है। मानसून के इस सत्र में जहां चारों ओर हरियाली अपने पैर पसार रही है, वहीं मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए जवाबदार विभाग कमर कस खड़ा है। रतलाम के मलेरिया विभाग द्वारा प्रतिदिन शहर सहित ग्रामीण अंचलों में भी सर्वे के साथ मलेरिया से रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर मलेरिया टीम पानी की टंकियों तथा ऐसे बर्तन या टब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ हो या कई समय से ऐसे बर्तनों में पानी जमा हुआ हो जिससे मलेरिया होने की संभावना हो, ऐसी जगह जाकर टीम सर्वे कर दवाई छिड़क लार्वा को नष्ट कर रही है। मलेरिया विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिस पर अपने क्षेत्र में ऐसे स्थान दिखने पर आप एंटी लार्वा प्रभारी सुनील दुबे के इस नंबर 9926431189 पर संपर्क कर उन्हें अपनी व क्षेत्र की स्थिति बता सकते हैं। इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए मलेरिया अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया, टीमें हैं अर्बन मलेरिया स्कीम के अंतर्गत 12 हमारे पास फील्ड वर्कर हैं, जिनके माध्यम से लार्वा सर्वे शहरी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी वाटर बॉडीज में पानी जहाँ स्टैग्नेंट होता है, जल का जमाव होता है, वहाँ ये टीमें जाके मच्छरों के लार्वा को चेक करती हैं और जहाँ भी लार्वा पाया जाता है वहाँ पर टेमोफॉस हमारे पास जो दवा है लार्वा नाशी दवा है, उस दवा को डाल के वहाँ पे मच्छरों के लार्वा के उत्पत्ति स्थलों को समाप्त करते हैं। सर, जो सर्वे चल रहा है अभी तक कितने क्षेत्रों में लार्वा मिल चुका है और क्या कंडीशन बन रही है मलेरिया को लेकर? बिल्कुल, जनवरी फरवरी मार्च में तो लार्वा तो बहुत कम जगह मिला है, पर जब से अभी पिछले महीने जब से बारिश रुक रुक के स्टार्ट हुई है तो कहीं बहुत सारे पॉकेट्स बने हैं, बहुत सारे अर्बन के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जल का जमाव हुआ है, वहाँ पर लार्वा संभवतः पाया जा रहा है। वहाँ पे मच्छर मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा भी और शहरों में डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा भी मिल रहे हैं, तो उसको वो हमारी रजिस्टर में उसको नोट करके जो है लार्वा जहाँ जहाँ भी है उसकी पिक्चराइजेशन लेकर उस पर दवाई डालकर जो ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी तो लार्वा तो मिलेगा जहाँ जहाँ पॉकेट्स बनेंगे, तो बस हमारा प्रयास ये है कि सब ऐसे जहाँ पे उत्पाद स्थल है उनको समाप्त करने का काम करें। सर, अभी पॉजिटिव मलेरिया कितने पेशेंट है? टोटल 5 मलेरिया पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिसमें से अर्बन में एक भी नहीं है रतलाम सिटी में, और ये हमारे बाजना, सैलाना, पिपलोदा और बढ़िया गोल के पेशेंट हैं, गांवों के पेशेंट हैं बेसिकली। मलेरिया सर, डिपार्टमेंट की तरफ से उन पेशेंट के लिए क्या व्यवस्था की गई? डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि हम आज की डेट में बात करें तो पूरे जितने भी हमारे 1056 रेवेन्यू विलेज हैं जहाँ पे आशा कार्यकर्ता है उनके पास रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट उपलब्ध कराई गई है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि आज एक गांव की बात करें तो गांव में भी हमारे पास आशा के पास मलेरिया की जांच की सुविधा उपलब्ध है, और सपोज जैसे मान लीजिए कोई बुखार का रोगी उनके पास आता है और पॉजिटिव आता है तो हमारे हर ब्लॉक में हमारे मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर और मलेरिया इंस्पेक्टर के पास मलेरिया की जाँच और दवा उपलब्ध है, तत्काल जो उसको 24 घंटे के अंदर दवा उपलब्ध कराई जाती है और उसको उपचारित किया जाता है।
रेलवे क्राइम ब्रांच के हरेंद्र चाहर के मुताबिक रेलवे के टिकटों की बड़े स्तर पर कालाबाजारी करने की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। मंगलवार को मुंबई गुजरात के साथ मंदसौर और रतलाम में चार अलग अलग टीमों ने एक साथ विपिन जैन के ऑफिस पर छापा डाला। विपिन जैन चंडालिया के यहाँ रेलवे विजिलेंस की कार्रवाई जारी है। रेलवे विजिलेंस को 20 लाख नकद व करीब 50 लाख के चेक मिले हैं। उन्हें भी कार्रवाई में रिकॉर्ड में लेने की जानकारी सामने आई है। इस दौरान शहर पुलिस की मदद भी ली गई। रतलाम के सरवन थाना क्षेत्र में दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई, दो युवतियां घायल हो गई। रात्रि में पुलिस गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान चारों घायल अवस्था में सैलाना बांसवाड़ा रोड पर मिले, जिन्हें पुलिस एम्बुलेंस से लेकर बुधवार तड़के रतलाम के मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां दोनों युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के नाम राजेश उर्फ राजू 21 वर्षीय, पिता लक्ष्मण दामा निवासी चिराखदान तथा सरवन एवं सुनील 19 वर्षीय, पिता नारायण लाल निनामा निवासी पाटिया खूंटा थाना साखतली जिला प्रतापगढ़ राजस्थान की मौत हो गई, जबकि नर्मदा 20 वर्षीय पिता नागजी चरपोटा एवं माया 18 वर्षीय पिता राजू निनामा दोनों गांव राधा कुआं थाना सरवन घायल हो गई, जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। दोनों मृतक युवकों के परिजन सुबह मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। घायल युवती नर्मदा के परिजन भी आ गए, लेकिन एक अन्य घायल युवती माया के घर वाले दोपहर 12 बजे तक मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचे। माया को गंभीर चोट आई है। सरवन थाने के सब इंस्पेक्टर जीएल भूरिया, आरक्षक शैलेंद्र सिंह सोलंकी व अन्य मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जांच पड़ताल में लगे हैं। पुलिस जांच के अनुसार दोनों युवतियां सहेलियां हैं, दोनों के घर पास पास हैं। सरवन पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर जीएल भूरिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दूध की गाड़ी से टक्कर होना सामने आया है। दो युवकों की मौत हो गई है, दो युवतियां घायल है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। घटनाक्रम हुआ है, दो की मौत भी हुई है इसमें। आज रात की घटना है, एक माया और नर्मदा दो सहेलियां हैं छोरियां, ये चिराखा अपने क्या कहते अपने राधा कुआ की रहने वाली है, और इनके दो दो लड़के हैं जो इनसे बातचीत करते थे, एक तो सुनील और दूसरे का नाम दूसरा नाम है अपना राजू। ये दोनों माया ने इनको फ़ोन करके बुलाया था, तो ये दोनों राधा कुआ आए थे, वहाँ से इनसे बातचीत करके वापस सैलाना तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में दूध वाहन से टकरा गए, क्योंकि दोनों की मृत्यु हो गई है और दो छोटी लड़कियाँ घायल हैं, भी जांच कर रहे हैं।